आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। तालिबानी सजा पर खबर का असर। जी हां, मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र में तालिबानी पंचायत में दो युवकों पर बेल्ट बरसाए जाने के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पंचायत करने वाले गुनहगारों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है। मामला रायपुर समदा और मानपुर गाँव के बीच का है। यहाँ युवकों में डीजे को लेकर मारपीट शुरू हुआ था। पंचायत में रायपुर समदा गांव के रहने वाले अशफाक ने मानपुर के मोबीन और हजरत की बेल्ट से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो बनाकर एक शख्स ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की शिकायत जब पुलिस से की गई तो पुलिस ने महज एनसीआर दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया। जब आरजेसी न्यूज पर तालिबानी पंचायत की करतूत प्रमुखता से प्रसारित की गई तो पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में थाना प्रभारी को मामले की जाँच द्वारा कर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। पुलिस ने पंचायत करने वाले 9 लोगों को नामजद समेत 12 अज्ञातों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं पिटाई करने वाले व्यक्ति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। एसपी देहात उदय शंकर ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एसपी देहात का कहना है कि जल्द ही फरार सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। इस घटना में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी अब तक कर ली गई है। शेष की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। इसमें 2 बच्चों में मारपीट का मसला था। दूसरे दिन इसमें आपस में पंचायत हुई। उसी दौरान जो पहले दिन का पीड़ित बच्चा था, उसके पिता ने अन्य 2 आरोपी गणों की बेल्ट से पिटाई करी। उसमें और जो लोग सम्मिलित हैं, जिनकी उसमें सहभागिता रहे, पुलिस उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। सर, ये भी बताया जा रहा था कि पुलिस ने पहले एनसीआर दर्ज की थी, जब ये झगड़े का मामला है, पंचायत का मामला आया था, क्या उसके बाद आपके द्वारा अग्रिम आदेश दिए गए? पीड़ित के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई उनकी तरफ से, उसके आधार पर पुलिस ने जो उनकी धाराएं बची थी उसके अंतर्गत पंजीकृत किया। जब ये प्रकरण पंचायत का संज्ञान में आया और पंचायत अन्य तक आए, उसमें और अधिक लोग शामिल थे, तदोपरांत पुलिस ने उसको अभियोग तरमीम किया उसी धाराओं में और अब तक इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है।